500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार वो क्षण अब आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा हर राम भक्त कर रहा था। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2080 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाएगी और इसी के साथ राम भक्तों का वह सपना पूर्ण होगा जिसका इंतजार पिछले 500 वर्षों से हर राम भक्त कर रहा था और इसे पूरा करने के लिए करीब 2 लाख राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया। इस मंदिर को पाने के लिए राम भक्तों ने 500 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। तो आइए जानते हैं अयोध्या के इसी प्राचीन अनसुने और खोए हुए इतिहास की पूरी कहानी विस्तार से। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारिका को शामिल किया गया है। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है जिसमें अयोध्या को देवताओं की नगरी बताया गया है। अयोध्या की स्थापना महाराज मनु ने की थी। अयोध्या की स्थापना कैसे हुई और अयोध्या कब और कैसे उजड़ी इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप चाहें तो वहां से हमारी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हम वहां से करेंगे जब महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या नगरी उजड़ चुकी थी। वहाँ टीले और वनों के अतिरिक्त और कुछ विशेष नहीं था। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से पुराणों, ग्रंथों और कहानियों में ही रह गई थी। अयोध्या नगरी कहाँ थी यह किसी को भी ज्ञात नहीं था। महाभारत युद्ध के करीब 3000 वर्ष बीत चुके थे। कई राजा महाराजा आए और गए। अयोध्या किस्सों कहानियों में सिमट के रह गई थी। और फिर समय आता है भारत के उस महान सम्राट का जिसने खोई अयोध्या को पुनः उसके भव्य रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। ये महान सम्राट थे उज्जैन नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनका शासन भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बाद सबसे मुख्य माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या को कैसे खोजा इस पर एक दिलचस्प कहानी इतिहास में हमें मिलती है। एक रात्रि जब सम्राट विक्रमादित्य सो रहे थे तब स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर विक्रमादित्य को अयोध्या की खोज करने को कहा। सम्राट विक्रमादित्य ने अगली सुबह अपने स्वप्न के बारे में सभी को बताया और नवरत्नों से परामर्श मांगा। सभी ने उन्हें परामर्श दिया कि भगवान की इशारा है, वे चाहते हैं कि आप पावन अयोध्या नगरी की खोज करें, आपको ऐसा ही करना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य ने ठीक वैसा ही किया। सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या नगरी की खोज को निकल पड़े। विक्रमादित्य ने बहुत खोज की पर खंडहर और वनों में प्रवृत्त हो चुकी अयोध्या को खोजना आसान नहीं था। 57 ईसा पूर्व रामनवमी के दिन थक कर विक्रमादित्य सरयू नदी के तट पर एक आम के वृक्ष के नीचे लेटकर विश्राम करने लगे। तभी दिव्य कृपा से विक्रमादित्य की भेंट तीर्थराज प्रयाग से हुई। तीर्थराज प्रयाग ने विक्रमादित्य को अयोध्या व सरयू की महत्वता के बारे में बताया। सम्राट विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयागराज से अयोध्या के उद्धार के बारे में पूछा। तब तीर्थराज प्रयाग ने विक्रमादित्य को बताया कि यहाँ से आधे योजन पर मणि पर्वत है, उसके ठीक चौथाई योजन के अर्ध भाग में गबांध कुंड है। उस कुंड के पश्चिम तट से सटा हुआ एक राम नामी वृक्ष है। यह वृक्ष ब्रह्मा जी ने अयोध्या की परिधि नापने के लिए लगाया था। उसी वृक्ष के पश्चिम से ठीक 1 मील की दूरी पर मणि पर्वत है। मणि पर्वत के पश्चिम से सटा हुआ गणेश कुंड नामक एक सरोवर है, उसके ऊपर शेष भगवान का मंदिर है। शेष भगवान के मंदिर से 500 धनुष पर ठीक 12वें कोण पर भगवान श्री राम की भूमि है। राम नामी वृक्ष के पास से लेकर 1 मील के इर्द गिर्द एक नव प्रसूता गाय को लेकर उसे घुमाओ, जिस जगह गाय गोबर करे वह मणि पर्वत है। फिर वहां से 500 धनुष नाप कर उसी ओर गाय को ले जाकर घुमाओ, जहां उसके थनों से दूध की धार गिरने लगे, समझ लेना भगवान श्री राम की जन्मभूमि वही है। राम जन्मभूमि को सधर्म मानकर पुराणों में वर्णित क्रम के अनुसार तुम्हें समस्त तीर्थों का पता चल जाएगा। ऐसा करने से तुम भी श्री राम की कृपा के अधिकारी होंगे। यह कहकर तीर्थराज प्रयाग अदृश्य हो गए। सम्राट विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयाग के निर्देशानुसार वैसा ही किया। उन्होंने नवप्रसूता गाय को घुमाया, मणि पर्वत के स्थान पर गाय ने गोबर किया। फिर वहां से 500 धनुष नाप कर विक्रमादित्य ने गाय को घुमाया, जन्मभूमि के स्थान पर पहुंचकर गाय के थनों से दूध की धार गिरने लगी। सम्राट विक्रमादित्य ने वहां भव्य राम मंदिर बनाया। सम्राट विक्रमादित्य ने यहां पर श्री राम जन्मभूमि के साथ 300 प्राचीन मंदिरों को खोजकर उनका पुनर्निर्माण कराया, साथ ही 60 नए मंदिर भी बनवाए। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए मुख्य मंदिरों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, रत्न सिंहासन मंदिर,
लक्ष्मण मंदिर सहस्त्रधारा तीर्थ, बड़ी देवकाली मंदिर शीतला देवी दुर्गकुंड पर, छोटी देवकाली गिरिजा मंदिर ईशान देवी मुख्य थे। कहते कि जिस राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था उसका शिखर इतना ऊंचा था कि वह 40 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता था। सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में कई घर कुएं व जलकुंड बनवाए जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद भगवान श्री राम का मंदिर सदियों तक वैसा ही रहा, रोजाना वहाँ पूजा अर्चना होती थी। अयोध्या की आभा सम्राट विक्रमादित्य ने पुनः लौटा दी थी। बाद के कई राजाओं ने भी समय समय पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसमें गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मुख्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। 11वीं शताब्दी तक मंदिरों की आभा वैसी ही रही। 11वीं शताब्दी में गहड़वाल राजाओं ने भी अयोध्या में कई मंदिरों का निर्माण कराया व श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। कन्नौज के राजा जयचंद ने श्री राम जन्मभूमि में लगी सम्राट विक्रमादित्य की प्रसिद्धि को उखाड़ कर अपना नाम लिख दिया, जिसका उस समय के लोगों ने राजा जयचंद का कड़ा विरोध भी किया था और राम जन्मभूमि मंदिर को सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित मंदिर ही माना। 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक राम जन्मभूमि पर कई आक्रमण व मंदिर को तोड़ने के प्रयास हुए, पर भारतीय राजाओं द्वारा उन सभी को असफल कर दिया गया। सिकंदर लोदी के समय अयोध्या में भव्य राम मंदिर मौजूद था। 1528 में जब बाबर को इस भव्य राम मंदिर का पता चला तो उसने मंदिर को गिराने के लिए कई अभियान चलाए जिसे नाकाम कर दिया गया। कई नाकाम प्रयासों के बाद बाबर ने अंततः मीर बाकी के नेतृत्व में एक विशाल सेना मंदिर गिराने के लिए भेजी। मंदिर को बचाने के लिए क्षत्रियों की सेना के साथ साधु संतों व आम जनता खड़ी हो गई। 15 दिन तक घनघोर युद्ध चलता रहा। युद्ध के बाद आखिर वही हुआ जो होना था। सभी वीर योद्धा राम मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज इतिहासकार कमिंगम ने लखनऊ गजेटियर में लिखा है कि 1,74,000 लाशें गिरने के बाद ही मीर बाकी मंदिर को तोड़ सका। मंदिर गिरा कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। पर यह युद्ध अंत नहीं था, एक महायुद्ध का आगाज था। एक ऐसा युद्ध जो 500 साल तक चलने वाला था। राम भक्तों ने पर हार नहीं मानी और मंदिर वापस लेने के लिए कई अभियान चलाए। सन 1530 से लेकर 1556 तक राजपूत राजाओं ने साधु संतों के साथ मिलकर 76 युद्ध लड़े। कई बार जन्मभूमि पर अपना अधिकार किया, पर कुछ समय बाद मुगलों ने वापस कब्जा कर लिया। हिंदुओं की ओर से इन युद्धों का नेतृत्व हंसवार के राजा रणविजय सिंह, उनकी पत्नी रानी जयराज कुंवरी और स्वामी महेशानंद ने किया था। रणविजय सिंह ने पुरुष सेना का, रानी जयराज कुंवरी ने महिला सेना का और स्वामी महेशानंद ने साधु सेना का नेतृत्व किया था। ये अपनी अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। महेशानंद के बाद संघर्ष की बागडोर बलरामाचार्य ने संभाली। 1556 से 1605 के बीच मंदिर के लिए अकबर के शासनकाल में 20 युद्ध लड़े गए। इन युद्धों में अयोध्या के संत बलरामाचार्य ने सेनापति की तरह युद्ध लड़ना जारी रखा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। इन युद्धों का परिणाम स्वरूप अकबर को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीरबल और टोडरमल की राय पर अकबर ने बाबरी मस्जिद के सामने स्थित मंच पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दी और यह भी आदेश दिया कि हिंदुओं को पूजा पाठ में कोई विघ्न न डाले। अकबर के वंशजों और औरंगजेब की नीतियां सांप्रदायिक थीं, जिसका असर मंदिर मस्जिद विवाद पर भी पड़ा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास के एक शिष्य बाबा वैष्णवदास की साधुओं की बलशाली सेना ने राम जन्मभूमि को वापस लिया, पर 1664 में औरंगजेब ने वहां पुनः कब्जा कर मंदिर को तोड़ दिया। साल 1678 से 1707 में औरंगजेब के समय राजेपुर के ठाकुर गजराज सिंह, सिसिंडा के कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह, बाबा केशवदास और हजारों राजपूतों ने राम मंदिर के लिए दर्जनों लड़ाई लड़ी। सन 1717 के बाद जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय, जो स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे, उन्होंने मंदिर पुनर्निर्माण के प्रयास में मथुरा, काशी, प्रयाग, उज्जैन और अयोध्या जैसे धार्मिक तीर्थस्थलों के आसपास किलेबंदी स्थापित की। जयपुर रॉयल अभिलेख खागार में संग्रह से पता चलता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या के भूमि सवाई जय सिंह ने 1717 में खरीदी थी और परिसर में एक मंदिर बनाया था। 1717 से 18वीं सदी के अंत तक के साक्ष्य बताते हैं कि अवध के स्थानीय नवाबों और मुगल दरबार के बीच कई पत्र लिखे गए थे, जहां पाया गया कि स्थानीय नवाबों को सख्त निर्देश थे कि वे मंदिर को ना छुएं, क्योंकि यह जयपुर के राजा जो भगवान राम के वंशज है उनकी संपत्ति है और किसी भी उल्लंघन की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दस्तावेजों के अनुसार जयपुर के शाही परिवार के पास अयोध्या में राम जन्मभूमि और उसके आसपास 983 एकड़ जमीन थी। राम जन्मभूमि का नक्शा जयपुर रॉयल आर्काइव में उपलब्ध है। सवाई जय सिंह की मृत्यु के कई साल बाद यह क्षेत्र नवाब के शासन में आ गया।
और संभवतः शहादत अली के शासन के तहत मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण हुआ। इसके बाद जन्मभूमि को पुनः वापस पाने के लिए अमेठी के राजा बंधल गोती राजपूत वंश के गुरुदत्त सिंह और पिपरा के चंदेल राजा राजकुमार सिंह ने राम मंदिर के लिए नवाब शहादत अली खान से 5 लड़ाई लड़ी, जिसमें अनेक रिश्तेदार और मंत्री मारे गए। 1814 से 1836 के बीच मरकही के चंद्रवर्षीय राजा ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए नवाब नसरुद्दीन हैदर के खिलाफ 3 लड़ाई लड़ी। गोंडा के राजा देवी पक्ष सिंह ने अवध के क्षेत्र के सभी तालुकदारों और छोटे राजाओं को एकजुट कर 1847 से 1857 के बीच कई युद्ध लड़े, जिसमें नवाब वाजिद अली शाह बुरी तरह हार गए। इस जीत के बाद ही एक छोटा चबूतरा और राम मंदिर परिसर में मंदिर का निर्माण कराया गया और पुनः वहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ। जन्मभूमि स्थल पर चबूतरा निर्माण के बाद अमेठी के एक मौलवी आमिर अली द्वारा एक टुकड़ी रवाना की गई, जिसे भीटी के राजकुमार जयदत्त सिंह ने रोनाही गांव के पास रोक दिया। उस स्थान पर एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए कई राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। सन 1857 यह वह समय था जब मंगल पांडे ने आज़ादी की अलग जला दी थी। हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तत्कालीन हिंदू मुस्लिम शासकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अयोध्या और गोंडा के तत्कालीन नरेश हनुमानगढ़ी के निर्वाणी अन्नी पट्टी के महंत उद्धदास क्रांतिकारी महंत रामचरण दास के साथ स्थानीय क्रांतिकारी आमिर अली भी जुट गए। सुल्तानपुर गजेटियर में कर्नल मार्टिन लिखते हैं कि आमिर अली के आह्वान पर मुस्लिम समाज विवादित स्थल को छोड़ने को तैयार हो गया था। बहादुर शाह जफर ने इसे हिंदुओं को सौंपने का आदेश भी कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो 300 साल बाद जन्मभूमि वापस मिलने वाली थी, वो भी दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर अंग्रेजों को यह कहां मंजूर था। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो उनका दाना पानी भारत से उठ जाएगा। अंग्रेजों ने तुरंत षड्यंत्र रचते हुए आमिर अली और रामचरण को 18 मार्च 1858 को फांसी दे दी, जिसके बाद जो आस नजर आई थी वह फिर से उलझ गई और एक बार फिर दोनों पक्षों में संघर्ष छिड़ गया। 1859 में एक बार फिर दोनों पक्षों में सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए, जिसके बाद ब्रिटिश शासन ने पूजा ढांचे के बाहर और नमाज अंदर पढ़ने का आदेश दिया। इससे लोग आक्रोशित हो उठे। गुस्साए निहंग सिखों और हिंदू राजाओं ने ढांचे पर कब्जा कर लिया। सिख ढांचे के सामने से हटने को तैयार ही नहीं हुए, जिसके बाद 25 सिख सैनिकों पर केस दर्ज हुआ। इसके बाद मामला यूं ही चलता रहा। सन 1885 अयोध्या विवाद पहली बार अदालत पहुंचा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने 1885 को फैजाबाद की जिला अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। हालांकि न्यायालय ने इस बात को भी माना कि चबूतरे पर पूजा हो रही है और वहां पर किसी देवता के चरण उभरे हैं। चबूतरे के ऊपर ही दूसरे चबूतरे पर ठाकुर जी की पूजा हो रही है। इस स्थान पर हिंदुओं का हक है, पर मंदिर बनाने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि मंदिर व मस्जिद जाने का गलियारा एक होने से विवाद बढ़ेगा। पुरातत्व इतिहासकार स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद वर्मा एवं स्वर्गीय स्वराज प्रकाश गुप्त की श्री राम जन्मभूमि पुरातत्विक साक्ष्य पुस्तक से पता चलता है कि तत्कालीन जिला जज कर्नल FIA चामियार ने भी निश्चय कर माना था कि हिंदुओं की पवित्र भूमि पर मस्जिद बनाई गई, पर यह मामला 365 वर्ष पुराना है, जिसे ठीक करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखना ही उचित होगा। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। कोर्ट में मामला चलते हुए 50 साल होने वाले थे और पूरे विवाद को 406 साल। विवादित स्थल को लेकर आए दिन दंगे होने लगे थे। 27 मार्च 1934 अचानक शहर में सांप्रदायिक हिंसा छिड़ गई। साधु ने ढांचे में घुसकर 3 गुंबद तोड़ डाले। ब्रिटिश सरकार ने फौज भेजकर मामले को शांत करने की कोशिश की। पहली बार यह मामला प्रदेश के सदन में उठा। ब्रिटिश सरकार ने साधुओं पर 85,000 का जुर्माना लगाया, हालांकि साधुओं ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने इस केस का रुख मोड़ कर रख दिया। 23 दिसंबर 1949 मध्य रात्रि को अचानक पूरे अयोध्या में घंटा, घड़ियाल और शंख की ध्वनि से गूंज उठा। भय प्रकट कर पाला की गूंज पूरे अयोध्या में गूंजने लगी। राम जन्मभूमि पर विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्तियां पाई गईं। हिंदू पक्ष का कहना था कि रामलला अपने आप प्रकट हुए, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मूर्ति जबरन रखी गई। जबकि उस रात परिसर में तैनात तत्कालीन सिपाही अब्दुल बरकत ने बताया कि मूर्तियाँ प्रकट हुई थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, पर जिला अधिकारी नायर ने कहा कि मूर्तियां हटाने के लिए हजारों लोगों पर गोलियां चलानी होगी, उसके बिना यह संभव नहीं है। अगर आप फिर भी मूर्तियां हटाना चाहते हैं तो यह काम आप किसी और को दे दें, मैं ये काम नहीं करूँगा। मूर्तियां हटाने को लेकर तत्कालीन प्रदेश मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू के बीच तनाव हुआ और अंत में मूर्तियां न हटाने का निर्णय हुआ। परिसर में पूजा पाठ शुरू हो गया, पर नमाज उस दिन से बंद हो गई। 1950 में जुहर बख्श और अनिसुर रहमान ने नमाज पढ़ने की सुविधा और सुरक्षा मांगी। इसी बीच गोपाल सिंह विशारद नाम के श्रद्धालु ने फैजाबाद जिला न्यायालय में जुहर बख्श तथा प्रशासन के खिलाफ केस कर पूजा रोकने का आरोप लगाया। विशारद के मुकदमे में जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनिसुर रहमान ने इलाहाबाद न्यायालय में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। वहीं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य किरदार रामचंद्र परमहंस ने 5 दिसंबर 1950 को जिला न्यायालय में दूसरा केस दायर कर जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंपने की गुहार लगाई। 12 साल तक ये केस ऐसे ही पड़े रहे। 1961 में अचानक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मोहम्मद आसिम अंसारी ने पूरे परिसर के मालिकाना हक को लेकर दावा कर दिया। अगले 23 सालों तक केस ऐसे ही तारीखों पर चलता रहा। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने के लिए और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर के गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई और अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला। 25 जनवरी 1986 को अयोध्या के वकील उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद के मुंसिफ हरीश शंकर द्विवेदी की अदालत में विवादास्पद ढांचे को राम जन्मभूमि मंदिर बताते हुए दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए याचिका दाखिल की। मुंसिफ ने इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया। उमेश चंद्र पांडे ने इसके खिलाफ 31 जनवरी 1986 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश फैजाबाद की अदालत में अपील दायर की। उनकी दलील थी कि मंदिर में ताला जिला प्रशासन लगाया था, किसी अदालत ने नहीं। 1 फरवरी 1986 को जिला एवं सत्र न्यायालय कृष्ण मोहन पांडे ने उनकी अपील स्वीकार की। सभी पक्ष को सुनते हुए उन्होंने फैसला सुनाया कि राम जन्मभूमि पर ताला लगाने का आदेश किसी भी अदालत ने नहीं दिया था, इसलिए जन्मभूमि का ताला खोल दिया जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया कि जनता दर्शन व पूजा करने के लिए राम जन्मभूमि जाए। राज्य सरकार अपील दायर करने वाले तथा हिंदुओं पर राम जन्मभूमि में पूजा या दर्शन में कोई बाधा और प्रतिबंध ना लगाए। आदेश के 40 मिनट बाद ही सिटी मजिस्ट्रेट ने राम जन्मभूमि पहुंचे और गेट पर लगे ताले खोल दिया। ताला खोलने के विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। जून 1989 में भाजपा ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया। वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर 1989 में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 25 सितंबर 1990 भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार में रथ यात्रा रुकवा कर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गईं। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। कोठारी भाइयों ने मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराया। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर कार सेवकों पर गोलियां चला दी गईं, जिसमें गोली लगने से कोठारी भाइयों की मृत्यु हो गई। हजारों कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जून 1991 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में भाजपा ने सपा को हराकर अपनी सरकार बनाई। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। 30 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। 6 दिसंबर 1992 एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाता है। इस दिन हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दी और उसके बाद वहां अस्थायी राम मंदिर बना दिया।
इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए, जिसके बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्योंकि कल्याण सिंह ने बाबरी ढांचा गिराने गए कार से ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। 16 दिसंबर 1992 मस्जिद ढहाने के जांच के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया, जिसमें जज एम एस लिब्राहन के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। साल 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस चलना शुरू हुआ। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की। बाबरी विध्वंस बरसी पर तनाव बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद ने मार्च 2002 से मंदिर निर्माण का ऐलान किया। मार्च 2002 में हजारों की तादाद में राम भक्त मंदिर निर्माण करने के लिए अयोध्या पहुंचने लगे। 13 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया और किसी भी विवादित स्थल पर शिला पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 15 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और तत्कालीन भाजपा की केंद्र सरकार के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के नेता सरकार को मंदिर परिषद से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। अप्रैल 2002 हाईकोर्ट ने मालिकाना हक को लेकर 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई आरंभ की। मार्च से अगस्त 2003 में हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की गई, जिसमें बाबरी मस्जिद नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष के प्रमाण मिले। साल 2005 में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 आतंकियों को सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया। 30 जून 2009 लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 20 मई 2010 बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनर्निरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई। 20 जुलाई 2010 अयोध्या विवाद पर सुनवाई पूरी हुई। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़ा को मिला। 9 मई 2011 हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाई। मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात की, पर वह नाकाम रही। इसके बाद राम जन्मभूमि केस तारीख को पटलता रहा। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक टाल दिया। 25 नवंबर 2018 अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में धर्म सभा हुई। धर्म सभा में हिंदू संत राम भद्राचार्य ने कहा कि बहुत जल्द ही भव्य राम मंदिर बनेगा। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त को पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान करने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब 500 साल पुराना विवाद समाप्त होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ भूमि जहां राम मंदिर था, वह भूमि हिंदू पक्ष को दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष को अलग 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई। 25 मार्च 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की मूर्ति को टेंट से निकालकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट किया। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कर राम मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। 22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन होगा जब 500 साल बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लाखों बलिदान, अनगिनत संघर्ष के बाद अब वो पल आने वाला है जिसका सपना हर राम भक्त पिछले 500 साल से देखता आ रहा है। तो ये था राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास, सम्राट विक्रमादित्य के मंदिर निर्माण से लेकर पुनः मंदिर निर्माण की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें जरूर दें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।